फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wifistudy.com, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग प्रेजेंट्स टॉप 10 ज्योग्राफी क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, वापस से मैं आपके लिए 10 इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि आपके किसी भी पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे टॉप 10 ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में, यहाँ 3 कोर्सेज है, बेसिक, प्रो और एडवांस। सो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छे कोर्सेज आपकी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा बूस्ट देने वाले हैं फ्रेंड्स। ओके, और साथ में फ्रेंड्स आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है यहाँ पे कि यहाँ पे आपके साथ में पेन ड्राइव भी आपके पास में अवेलेबल है ऑप्शन, ठीक है। तो आप यहाँ पे पेन ड्राइव भी ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप तो 7023336755 पे कॉल या फिर व्हाट्सअप करके भी अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं पैकेजेस के बारे में। यहाँ पे सभी जो चीज़ें हैं, वीडियोस, प्रैक्टिस टेस्ट, टेस्ट सीरीज, वो सभी कोर्सेज में सेम है। जो डिफरेंस है वो सिर्फ मंथ के अंदर है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा शेड्यूल है जो कि हम आपको डेली प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के टॉप 10 क्वेश्चंस। ओके, आज जैसे कि ट्यूसडे है तो मैं आपके लिए ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। साथ में कुछ टाइम बाद में आपके लिए मैं लाइव क्लासेस भी लेके आऊँगा इन सभी सब्जेक्ट्स की। सो फ्रेंड्स, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। जैसे कि बच्चों की डिमांड थी कि बच्चे चाह रहे थे कि हिंदी के अंदर भी ये क्वेश्चंस प्रोवाइड हो, तो मैं आपसे यहाँ पे बायलिंगुअल यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर डिस्कस करूंगा ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज द हिमालय। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय के स्वभाव को वर्णित नहीं करता है, कौन सी चीजें हैं जो कि इसमें हिमालय में से गलत है। ओके, कैरेक्टराइज नहीं करता है। पहला देखते हैं ऑप्शन, वेरियस पैरेलल रेंजेस ऑफ द हिमालय फॉर्म ए कॉन्वेक्स आर्क। ओके, तो जो डिफरेंट हिमालय की रेंजेस है वो कॉन्वेक्स आर्क का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। हिमालय की विभिन्न समांतर श्रृंखलाएं उत्पल चाप का निर्माण करती है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि देयर एग्जिस्ट सेंट्रिकल बैंड एट बोथ द टर्मिनल्स ऑफ द हिमालय। दोनों जो टर्मिनल है वहां पर बैंड हिमालय के पड़ता है, ठीक है, दोनों छोरों पे झुकाव पाए जाते हैं। तीसरा क्या है, सतलज, इंडस और ब्रह्मपुत्र रिवर एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम है। ओके, और हिंदी में क्या है, हिंदू, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियां अप्रवाह प्रणाली के उदाहरण है। चौथा एग्जांपल है आपका, हिमालयाज वाइडर है ईस्ट में कंपेयर टू वेस्ट, यानी कि हिमालय पूर्व की और पश्चिम की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। तो इसमें से ऑप्शन क्या है, ऐसे कौन सी चीजें जो कि गलत है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर अपन हिमालय के बारे में अपन ने बहुत बार पढ़ा है, लेकिन हमेशा अपने को ध्यान रखना है कि वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालय के बारे में भी पढ़ना है, क्योंकि अब चीजें बदल गई है, क्वेश्चन ईस्टर्न और वेस्टर्न हिमालय की तरफ भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका जो सही आंसर था वो डी आपका सही आंसर था, ठीक है, यानी कि हिमालय है ना वो वाइडर नहीं है ईस्ट की तरफ, वो वेस्ट की तरफ ज्यादा वाइडर है, ठीक है। और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे कि अगर अपन बात करें हाइट की, ठीक है, तो वेस्टर्न जो है, वेस्टर्न ये वाले ज्यादा हायर है कंपेयर टू द ईस्टर्न। साथ में अर्थक्वेक और लैंडस्केप की बात करें तो यहां पे ज्यादा होते हैं, ठीक है, अर्थक्वेक, और अगर अपन यहां पे किसकी मैंने लिखा अर्थक्वेक, साथ में लैंडस्लाइड्स, तो ईस्टर्न साइड में ज्यादा होते हैं लैंडस्लाइड्स और ये, ठीक है। प्रिसिपिटेशन, बारिश की बात की जाए तो भी ईस्टर्न वाले जो हिमालय से यहां पे ज्यादा बारिश होती है, यहां पे बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। यहां पे टेम्परेचर भी ज्यादा होता है ड्यू टू द हाई टेम्परेचर प्रिसिपिटेशन, ईस्टर्न हिमालयाज आर फार ग्रीनर विद द फॉरेस्ट देन द वेस्टर्न हिमालयाज। ज्यादा बारिश होने की वजह से, ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से ज्यादा ग्रीन एरिया है ईस्टर्न हिमालयाज का, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर स्नो लाइन की बात करें, यानी कि जो अपने बर्फ गिरती है उसकी बात करें, ठीक है, तो भी यहाँ पे क्या है कि ईस्टर्न हिमालयाज के ऊपर ज्यादा बर्फ है एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न हिमालयाज। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको ध्यान रखनी है ईस्टर्न और वेस्टर्न से। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक। निम्नलिखित में से कौन से सर्वोच्च चोटी है। देखिए माउंट एवरेस्ट के बारे में सभी को बता, लेकिन उसके बाद के जो 5 जो इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है। फर्स्ट को आपको ध्यान नहीं रखना है, माउंट एवरेस्ट सबको पता है, ओके, लेकिन इसके अलावा आपको ध्यान रखना है। देखिए ऑप्शन कौन सा है, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कंचनजुंगा और K2, तो ये 4 ऑप्शंस है, तो इनमें से सबसे हाईएस्ट पीक वाला कौन सा है, ठीक है। तो यहां पे सबसे हाईएस्ट पीक किसके, K2 की सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है, K2 की सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक है। अगर अपन बात करें फ्रेंड्स कि कौन सी रेंजेस हैं माउंट एवरेस्ट के बाद, मतलब सबसे पहले माउंट एवरेस्ट आ गया, इसके दूसरे नाम आपको ध्यान रखना है, सागर मत्था इसका दूसरा नाम है, और एक नाम और है लंगमा, ये किसके, माउंट एवरेस्ट के नाम है जिसकी हाइट है 8848 मीटर,
सेकंड पे अपन बात करते हैं K2, जिसका दूसरा नाम क्या है, क्वागिर, और इसको गुडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, ठीक है। इसकी 8611 मीटर हाइट है समवेयर। तीसरे कंचनजुंगा है अपना, जिसकी 8586 मीटर हाइट है। फोर्थ नंबर पे लॉस्ट है, ठीक है, जो कि नेपाल में है। इसकी हाइट कहाँ है, 8516 इसकी हाइट है, ठीक है। गुडविन ऑस्टिन ये पाकिस्तान के अंदर है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर है, ये सब आपको पता ही है। कंचनजुंगा सिक्किम, और उसके बाद में ये नेपाल। तो ये चार इंपॉर्टेंट नाम आपको ध्यान रखना है, ओके। और साथ में ये नंदा देवी, नंगा पर्वत भी कहाँ पर है, पीओके के अंदर ही है, पाकिस्तान के अंदर ही है, ठीक है। नंगा पर्वत भी, गिलगिट जो बाल्टिस्तान वाला एरिया है पाकिस्तान का, वहाँ ये लोकेटेड है। इसका दूसरा नाम भी इंपॉर्टेंट है, नंगा पर्वत का जो दूसरा नाम है, ये भी मैंने पेपर में देखा है, कई बार पूछते हैं, दामिर और दियोमीर, ये इसका दूसरा नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एक इंफॉर्मेशन जो मैं यहाँ पे भूल गया था आपको देना, ये एंटीसीडेंट के बारे में देना भूल गया था। एंटीसीडेंट ड्रेनेज क्या होता है, अप्रवाह प्रणाली क्या होती है। जब भी कोई रिवर अपना रास्ता नहीं बदलती है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं। जो मेंटेन रखती है अपना ओरिजिनल कोर्स, पैटर्न को ओरिजिनल रखती है, ठीक है। कितने बीच में रॉक आ जाए, कितने बीच में चट्टाने आ जाए, जो अपना ओरिजिनल रास्ता बनाए रखती है, उसको एंटीसीडेंट कहते हैं। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। नासिक, द सिटी ऑफ नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। जो नासिक सिटी है वो कौन सी रिवर के ऊपर उपस्थित है, ओके। देखते हैं, या फिर अव्यवस्थित है, देखते हैं, कृष्णा, मंडोवी, गोदावरी, या फिर तापी। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, और आपका जो सही आंसर है वो गोदावरी, सी आपका सही आंसर है। देखिए फ्रेंड्स, आपने को हमेशा ध्यान रखना, सिटी बिसाइड्स रिवर, ये एक टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसका अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आप चाहें तो वाईफाई स्टडी में वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। दोनों के अंदर है, वर्ल्ड का भी मैंने बनाया है और इंडिया के भी मैंने बनाया है। तो ये सारी सिटीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे जो ऑप्शन में है वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। कृष्णा रिवर की अगर अपन बात करें तो विजयवाड़ा, इंपॉर्टेंट जो सिटी का है वही मैं मेंशन कर रहा हूँ, विजयवाड़ा सिटी कृष्णा के ऊपर है। मंडोवी की बात करें तो पानाजी, ठीक है, उसके अलावा ओल्ड गोवा भी है, उसके अलावा पोरवरिम है। तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पनाजी है ये आपके लिए ध्यान रखना है मंडोवी में। साथ में आपको तापी की बात की जाए तो सूरत इंपॉर्टेंट सिटी है, जो कि इसके ऊपर सिचुएटेड है। तो ये तीनों नाम, और आपका जो आंसर है वो गोदावरी है, जिसके ऊपर नासिक सिचुएटेड है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेरोफाइट्स रिप्रेजेंट द क्लास ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन। तो ये जेरोफाइट्स जो है, ओके, मरुद्भिंद किस वर्ग के वनस्पति का प्रतिनिधित्व करते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, दूसरा है ह्यूमिड माइक्रो थर्मल क्लाइमेट, नम सूक्ष्म तापीय जलवायु, सेमी एरिड स्टेप्स, अर्ध शुष्क स्टेपीज, और चौथा टुंड्रा क्षेत्र, यानी कि टुंड्रा रीजन। इसमें से जेरोफाइट्स कौन से को रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप यहां पे आंसर दे चुके होंगे, और आपका जो सही आंसर है वो सेमी एरिड स्टेप्स है, सेमी एरिड एरिया। अब सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि जेरोफाइट्स होते क्या हैं, ठीक है। काफी बार पेपर में पूछे जाते हैं, ये स्पीशीज होते हैं प्लांट के, जो अडॉप्ट, जो कि बहुत ही ज्यादा अडॉप्ट हो चुके होते हैं सर्वाइव करने को लेकर, किस इन्वायरमेंट में, जहां पे पानी बहुत कम होता है, जहां पर बहुत कम पानी होता है, जैसे कैक्टस आपने देखा होगा बहुत कम पानी में भी सर्वाइव कर लेता है। ये कहां पे मिलते हैं आपको, डेजर्ट में मिल सकते हैं, या तो, या जहां पे बर्फ होती है, जहां पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है, जैसे कि आर्टिक, एल्प्स, यहां ऐसे एरिया में ये मिलते हैं। तो ये कुल मिला के ऐसे ही अपने आप को बना चुके होते हैं, इनका फिजिकल स्ट्रक्चर, जो फिजियोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी है, वो इस तरीके से बन चुकी होती है कि बहुत कम पानी के अंदर भी सर्वाइव कर लेते हैं, और साथ में कंजर्व भी करते हैं, पानी को इकट्ठा कर लेते हैं जब बहुत ज्यादा ड्राई टाइम आएगा उस टाइम के ऊपर। इसी के अंदर एक होते हैं सकुलेंट, और इसी के अंदर ये सकुलेंट प्लांट्स भी होते हैं फ्रेंड्स, सकुलेंट प्लांट्स, ये भी आपको ध्यान रखना है, ओके। ये सकुलेंट प्लांट्स क्या करते हैं, ये अपनी पानी जो है ये स्टेम के अंदर और लीव्स के अंदर भी स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, पत्तों के अंदर स्टोर कर लेते हैं ये। तो इसीलिए ये जो ऐसे प्लांट्स हैं जेरोफाइट्स, ये क्या, बहुत ही ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे डेजर्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वहाँ पे कर लेते हैं सर्वाइव। इसीलिए इसका जो आंसर है वो सी इसका आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयरन एंड स्टील प्लांट्स आर एस्टैब्लिश विद द ब्रिटिश कोलेबोरेशन। निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात ब्रिटिश सहायता से स्थापित किया गया था, ओके। कौन सी इंडस्ट्री, आयरन और स्टील प्लांट, ब्रिटिश की सहायता से स्थापित किया गया था। पहला भिलाई, उसके बाद राउरकेला, बोकारो, या फिर दुर्गापुर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।
तो इसके अंदर जो सही आंसर है आपका ब्रिटिश की सहायता से जो स्टैब्लिश किया गया था वो दुर्गापुर था, डी आपका आंसर है। तो मैं आपके इस बारे में यहां पे आपसे चारों ही डिस्कस करूंगा। जैसे कि दुर्गापुर तो मैंने आपको बताया, ये तो किसकी स्टैब्लिश, ब्रिटेन की वजह से किया था, साथ में रूरकेला ये अपन ने जर्मनी की मदद से किया था स्टैब्लिश, भिलाई की बात करें तो ये अपन ने रशिया यानी कि यूएसएसआर की मदद से किया था, और बोकारो की बात करें तो ये भी रशिया यानी कि यूएसएसआर की मदद से किया था। तो आप BBRD से इसको याद कर सकते हैं, BBRD, ठीक है। तो भिलाई तो कैसे हुआ, सबसे पहले भिलाई रशिया, बी वापस से रशिया, फिर जर्मनी और फिर ब्रिटेन, BBRD। ये चारों ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सॉलकुची फेमस। सॉलकुची किस चीज के लिए फेमस है जो कि ऑप्शन में दिए हुए हैं, जैसे कि पक्षी अभ्यावरण, बर्ड सेंचुरी, मंदिर शहर, टेम्पल सिटी, रेशम केंद्र, सिल्क सेंटर या फिर हिल स्टेशन, इनमें से किस चीज के लिए सॉलकुची फेमस है। तो आपका जो आंसर है फ्रेंड्स, सी आपका सही आंसर है, सिल्क सेंटर। ये जो फेमस है वो सिल्क के लिए फेमस है। ये कहाँ सिचुएटेड है सॉलकुची, आसाम के अंदर है, और तीन जो मेजर टाइप की जो सिल्क होती है, रेशम होता है, ये यहाँ पे बनाए जाते हैं इंडिजीनियसली, जैसे कि पहले तो गोल्डन मुर्गा, उसके बाद में वाइट पथ और साथ में इरी रेशम, ये तीनों यहाँ पे बनाए जाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर बन चुका है सॉलकुची सिल्क के लिए, ठीक है। और ये ट्रेडमार्क, यहाँ का जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है वो भी सॉलकुची ही है, तो आपको ध्यान रखना है ये आसाम के अंदर है और ये बहुत बड़ा सिल्क सेंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच करना है आप, यहाँ आपको हाईएस्ट ST पॉपुलेशन शेड्यूल ट्राइब की, लोवेस्ट शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन, साथ में हाईएस्ट SC पॉपुलेशन और साथ में लोएस्ट ST पॉपुलेशन, चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों डिस्कस करेंगे अपन। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है फ्रेंड्स, जैसे कि उम्मीद है मैं समझ सकता हूँ कि कुछ लोगों को इसका आंसर बहुत डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन आपको ये याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में सेंसस में से 2011 में से यहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी बहुत होती है, तो आपको ये सभी स्टेट का नाम ध्यान रखना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो बी इसका सही आंसर है। अगर ST पॉपुलेशन की बात की जाए, हाईएस्ट, अगर मैं हाईएस्ट ST पॉपुलेशन की बात करूं तो पंजाब है, अगर मैं लोवेस्ट ST पॉपुलेशन की बात करूं, ठीक है, लोवेस्ट की, तो मिजोरम है। अगर मैं SC की बात करूं हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट SC की, तो कहां पर है, गोवा में है, और लोवेस्ट SC की बात करूं तो कहां पर है, मिजोरम के अंदर है। तो कुल मिला के मिजोरम तो दो जगह आया ही आया है, हाईएस्ट SC में और लोवेस्ट SC के अंदर, ठीक है। तो ये चारों को जो चार्ट है ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पंजाब मिजोरम गोवा मिजोरम, ठीक है, ST हाईएस्ट, SC लोवेस्ट, फिर SC शेड्यूल कास्ट हाईएस्ट और शेड्यूल कास्ट लोवेस्ट, ठीक है, किस तरीके से, पंजाब मिजोरम गोवा मिजोरम, PMGM से आप याद कर सकते हैं, चारों ही कोड बना सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल, विच अमंग द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक्स इज वन ऑफ द ऑर्गेनिक ओरिजन। निम्नलिखित तल छट्टी चट्टानों में से कौन सा जैविक मूल्य का है, तो कौन सी चट्टान है सेडिमेंट्री रॉक है जो कि जैविक मूल्य से बनी हुई है, जिप्सम, चूना पत्थर, लाइमस्टोन, शोरा नाइट्राइट या फिर सेंधा नमक रॉक सॉल्ट। आपके सामने चार ऑप्शन है, इसमें सही आंसर है लाइमस्टोन, चूना पत्थर, ठीक है। ये जो ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक होती है फ्रेंड्स, ये फॉर्म करती है किसके, अक्यूमुलेशन से, यानी कि बनने से और साथ में फिर लिथिफिकेशन, ठीक है, ऑर्गेनिक जो चीजें होती है उससे, जैसे कि पत्ते, रूट, ठीक है, जड़े और साथ में जो बाकी एनिमल है, प्लांट है, इन सभी से। तो कुल मिला के ऑर्गेनिक चीजें हैं ये सभी, और इन सभी से सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन हुआ, ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक का, और इसमें से ही फॉर्मेशन हुआ, कोल का भी वैसे इसी से होता है फॉर्मेशन, ठीक है, और साथ में क्वाक्यूविना है, लाइमस्टोन है, ये सभी इससे फॉर्मेशन होता है, तो आपको ये सभी चीजें ध्यान रखनी है।
नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसराइल एज ए कॉमन बॉर्डर विद, इसराइल की जो सीमाएं हैं वो किन देशों से मिलती है। ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि आईएसआईएस का यहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा है, इसराइल फलस्तीन का मुद्दा बहुत ज़्यादा उछला हुआ है, इसी वजह से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप पेपर में आ सकता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, लेबनान सीरिया जॉर्डन मिस्र, लेबनान सीरिया तुर्की जॉर्डन, साइप्रस मिस्र तुर्की जॉर्डन, या फिर तुर्की सीरिया इराक यमन। ओके, तो आपका जो सही आंसर है वो है ए, लेबनान सीरिया जॉर्डन इजिप्ट। ये देखिए, ये आपका इसराइल है छोटा सा, ठीक है, ये आपका लेबनान है, साथ में जॉर्डन ये रहा, सीरिया ये रहा और इजिप्ट ये रहा। तो छोटा सा एक देश इसराइल इन चारों से घिरा हुआ है, लेकिन बहुत ही मजबूत देश है, लेकिन बहुत ही मजबूत देश है, इसी वजह से इसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ओके, कई सारी ट्रीटी हुई है यहाँ पे, ट्रीटीज हुई थी, एक ग्रीन लाइन ट्रीटी हुई थी 1949 के अंदर, इसको अर्मिस्टाइस एग्रीमेंट कहते हैं, ठीक है, जिससे लेबनान उसके नॉर्थ में, सीरिया उसके नॉर्थ ईस्ट में, वेस्ट में इसके जॉर्डन और ईस्ट में इजिप्ट, ये सब इसके बना दिया गया, ईस्ट में साउथ वेस्ट के अंदर सॉरी, ठीक है, और जॉर्डन इसके ईस्ट के अंदर। तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल बॉर्डर भी है इजिप्ट के बीच में, जो इजिप्ट और इसके बीच में है, वो एक इंटरनेशनल बॉर्डर है जो कि 1906 के अंदर डिमार्केट करी थी, ठीक है, किसने करी थी, यूनाइटेड किंगडम और ऑटोमन एम्पायर की वजह से। ओके, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको चारों ही देशों के नाम ध्यान रखने हैं, इजिप्ट, लेबनान, सीरिया और जॉर्डन। ओके, देखते हैं आज का लास्ट सवाल, ग्रेट एशियन रिवर है मैंगकॉन्ग। ओके, ये कहां से पास नहीं होती है, महान एशियाई नदी मैकोंग कहां से होकर नहीं गुजरती है, चाइना, मलेशिया, कंबोडिया या फिर लायोस। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आपका सही आंसर है मलेशिया, बी आपका सही आंसर, मलेशिया से ये होकर नहीं गुजरती। देखिए, ये रहा चाइना से स्टार्ट हुई, उसके बाद में लायोस गई, वियतनाम गई, ओके, और साथ में कंबोडिया गई। तो आपके जो ऑप्शन है वो यही है, चाइना, कंबोडिया, लायोस, ठीक है, और ये वियतनाम से होके भी गुजरती है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांस बाउंड्री है ये, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर दुनिया की 12th लॉन्गेस्ट रिवर है, एशिया की 7th लॉन्गेस्ट रिवर है, इतना किलोमीटर नियर बाय 4,500 किलोमीटर जाती है, ठीक है, तिब्बतन प्लेटू से स्टार्ट होती है, फिर चाइना होते हुए फिर म्यांमार, लायोस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम होते हुए पास होती है, ठीक है, और कहाँ पे डिस्चार्ज होती है, साउथ चाइना सी के अंदर, जो कि बहुत ही डिस्प्यूटेड एरिया है, वहाँ पे जाके देखिए, यहाँ पे जाके ये निकलती है। एक मैकोंग रिवर कमीशन भी बनाया गया है जो कि 1995 में बनाया गया, लायोस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, इन सब ने एस्टैब्लिश किया था कि जो इसका पानी है वो कैसे अपन तरीके से यूज करें। ओके, सो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, टॉप 10 ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे जो कि आपके बहुत काम आने वाले हैं सभी पेपर के लिए, स्पेशली SSC और UPSC के लिए। ओके, सो उम्मीद है इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करेंगे, वाईफाई स्टडी चैनल को, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियोस लेके आ रहे हैं। GK24 ऐप को जरूर डाउनलोड करेंगे, वोकैब को भी स्ट्रांग करने के लिए वोकैब 24 भी डाउनलोड करेंगे, साथ में शेयर करेंगे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।